गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्कशीट में पेज नंबर 10 करेंगे। वर्कशीट ओके, ए वाला देखिए। ठीक है, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। ये लेसन से ही होते हैं, ये लेसन से करने होते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट है हेट। हेट मीन घृणा करना, नफरत करना। ओके, अपोजिट है लव या लाइक करना, किसी को पसंद करना। सेकेंड है लाइक, लाइक मीन्स को पसंद करना। तो अपोजिट क्या होगा, डिसलाइक, ना पसंद। थर्ड है थिक, थिक मीन मोटा चौड़ा। ठीक है, और थिन मीन पतला। ठीक है, अपोजिट वीक, वीक मीन कमजोर। ठीक है, अपोजिट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत। देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन Sad, sad means sad. Opposite happy means खुश। सेवन देखिए केयरलेस, केयरलेस लापरवाह। केयरफुल मीन को केयर करना, यानी केयर करना। देखिए हेड, अपोजिट टेल, हेड मीन सिर भी होता है, टेल मीन। देखिए ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इनके आंसर बताने हैं आपको। आपने लेसन रीड किया है ना अमित वाला, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी कर रखे हैं उसके। गुड, चलिए फर्स्ट देखिए, हु हेल्प काइट, यानी कि जो अमित था वो जो काइट बना रहा था, कि हेल्प किसने की, अमित फादर, किसके फादर ने। सेम आएगा यहाँ से बाकी, अमित फादर हेल्प्ड, अमित फादर करने की। सेकंड देखिए, इट सेव डिड से कट, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, सेव से कट और द बॉडी इट, वह जो था वो किस शेप में हाइट को काटना चाह रहा था, और उसकी हेल्प किसने की, अमित किसने की। सेव ड्यू डायमंड शेप, उसने ड्रॉ किया डायमंड शेप में, और द बॉडी ऑफ फादर कट इट। ठीक, उसने कौन सी साइड शेप में ड्रॉ किया, डायमंड शेप में। ठीक, हेल्प किसने की कट करने में, फादर ने, फादर। थर्ड देखिए, हाउ डिड ऑन टू इट काइट, ने जो काइट थी उसको कैसे डेकोरेट किया, यानी कि कैसे सजाया। ठीक, कैसे सजाया, अमित वांटेड टू शो द पिक्चर ऑफ सन ऑन काइट। वह क्या करना चाहता था, क्या करना चाहता था, उस पर सन की पिक्चर ड्रॉ करना चाहता। और देखिए, वॉज द केयरफुल, हाउ, क्या जो सन था वो बहुत खुश था, और कैसे था, कैसे था बताइए। हम बोलेंगे यस इट वॉज हेल्पफुल, जो अमित ने उसका फेस ड्रॉ किया था वो एकदम अच्छे था, बिल्कुल वहाँ बहुत खुश है, फेस कैसे बनाया था, एकदम केयरफुल। ठीक है, अब सबको फिल करना है ना बुक में। देखिए, राइट नंबर्स इन द बॉक्स इज सस्ट, राइट जो जो स्टेप वहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से पहले क्या हुआ, तो हमें नंबर डालना है। जो फर्स्ट हुआ उसमें फर्स्ट लाइन पे वन लिखना है, यहाँ पर लिखे गए ना सेंटेंस, उसके हिसाब से हमें नंबर डालना है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया काइट बनाने के लिए, बाय मटेरियल फ्रॉम मार्केट। ठीक, सबसे पहले क्या करा, जो काइट बनाने का मार्केट से बाय किया।
ओके तो यहाँ पर आप वन लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है। सेकंड क्या होगा तो आप फाइंड करो, फाइव नंबर, बट द पेपर इज शेप ऑफ, ठीक। क्या करा सेकंड में, तो क्या करा, जो मटेरियल लाए थे, जो भी पेपर लाए थे, तो पतंग की शेप में कट किया, कर देगी। अटैच बैम्बू स्टिक एक फ्रेम और स्टिक, फिर जो उसमें स्टिक है बैम्बू यानी कि बांस की लकड़ियां होती है वो स्टिक, फिर उसको क्या करा, अटैच करा। फोर्थ देख, डेकोरेट द काइट, देन काइट को डेकोरेट किया, सजाया। फिर देखिए एज द कलरफुल स्ट्रिप एक टेल, और जो उस पर जो धागे लगाए थे स्ट्रिप से लगाए, इसमें फिर पर पे नंबर पे उसको अटैच किया काइट, ठीक है। फिर लास्ट में क्या किया, यूज द काइट क्वीन धागा, ठीक है। फिर लास्ट में धागा उस पर बांध दिया और फ्लाई तैयार हो गई काइट। देखिए नेम द शेप ऑफ वन ब्लो राइट वन फुल्ड ऑफ शेप, नेम द शेप वन ब्लो, जो नीचे दिए गए हैं शेप्स में वहां पर क्या करना है, जो हम चीजें कुछ भी चीजें खरीदते हैं जैसे, या कोई चीज हम देखते हैं शेप में, ठीक है, कौन कौन सी चीजें शेप में होती हैं खाई जाती है। वन हैज बीन डन फॉर, तो एक यहाँ पर करके खाया गया है। तो पहले तो उसका नेम लिखेंगे, क्या बना हुआ है ये, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना हुआ है ना, और ऐसी क्या चीजें होती है रेक्टेंगल जैसी, बुक, ठीक है, बुक होती है ना ये रेक्टेंगल, ठीक है। सेकंड है सर्कल, सर्कल सर्कल में बहुत सी चीजें होती है जैसे चपाती, चपाती मीन रोटी। थर्ड है ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, आइसक्रीम, और बहुत सारी थिंग्स होती हैं। आइसक्रीम स्क्वायर, ये स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है गिफ्ट, तो मिलते हैं ना बॉक्स होता है गिफ्ट, लिखना डायमंड, डायमंड शेप होती है, अच्छी शेप थी वो कौन सी थी, डायमंड। भरेंगे हाइट, और ओवल, ओवल शेप में क्या होता है एग, एग मीन अंडा। अब ई में चाहिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फॉलोइंग एंड सर भी देना, दिस डज कोयल वर्क, क्या आएगा कहाँ, वेयर, कोयल वह कहाँ वर्क करती है, वर्क मीन दिस इज गोयल वर्क एट स्कूल, कोयल कहाँ काम करती है, स्कूल में। सेकेंड देख, as her do how, क्या कर रहा है, कहेगा what, क्या कर रहा है what, what is how, her क्या कर, समर क्या कर रहा है, is वो पिक्चर for yes, is singing, और देखिए as does study, सब करती है, ठीक है, ठीक, सब करती है, सब मीन व्हेन, व्हेन डज सन स्टडी, तो स्टडीज एट नाइट, वह रात को पढ़ती है। फोर्थ देख, डैश इज रनिंग कीप,
हु कौन भाग रहा है, चोर के पीछे कौन भाग रहा है, ये चोर है ये पुलिस चोर एस इज पुलिसमैन है, क्या आएगा पुलिसमैन, पुलिस चीफ के, पुलिस चीफ के पीछे रनिंग कर रहे हैं इनकी, भाग रहे हैं। एस फ्रूट लाइक मोस्ट, अब कौन से फ्रूट बहुत पसंद करते हैं, पिच फ्रूट लाइक मोस्ट, पर पिक्चर बनी है ना, दो पिक्चर बनी है, फल या मैंगो, जो लाइक करते हो आप कर देना, आई लाइक मोस्ट तो बहुत पसंद। एफ देखिए, वी नो क्वेश्चन, ठीक है अकेले ही आएगा, जहाँ क्वेश्चन लगे वहाँ पर पुट डॉट और क्वेश्चन बॉक्स एट द एंड, किच जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क के लिए आएगा, जहाँ पर क्वेश्चन लगे वहाँ पर हम जहाँ पे आंसर है कब लगाएं। फर्स्ट देखिए, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, फिर है ना वेयर मीन, हाँ आर यू गोइंग आप कहाँ जा रहे हो, दे आर देयर क्लासरूम, तो पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं वह अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, तो आंसर दिया। और देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये भी आंसर है, ठीक है आई विल मॉर्निंग, ये भी एक तरह से आंसर है, मैंने आपको मॉर्निंग में देखा था, इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, सिर्फ बताया गया है, ठीक गया तो प्लीज स्टॉप आएगा। When do you go to sleep? अब सोने कब जाते हो? आंसर पूछे जा रहे हैं ना? अब सोने कब जाते हो? आपको क्वेश्चन मार्क। देखिए, Where are the students? स्टूडेंट्स कहाँ हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। पेज नंबर कल तक फिल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।